देश में जब महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल सुर्खियां बटोर रही है, उस बीच बिहार में आज एक खास कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बायोग्राफी पटना में रिलीज हुई, जिसका नाम अतरंग दोस्तों की नजर से नीतीश कुमार है। इस किताब का विमोचन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने किया। इस मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखे हमले बोले। लालू यादव ने कहा कि हमारा देश टूट रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो डाका डाल रहे हैं, गरीबी मिटाने की बात नहीं हो रही लेकिन संविधान पर हमला किया जा रहा है। लालू ने आगे बताया कि नीतीश और मैं काफी वक्त तक साथ में रहे हैं, हम दोनों दिल्ली की सरकार में भी रहे, बिहार में भी साथ मिलकर काम किया। बिहार के पूर्व सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात करते हैं लेकिन उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, वो हर रोज विधायक खरीद रहे हैं। कार्यक्रम में लालू यादव ने देश में इस वक्त लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा है ये भी कहा, और ये भी बोले कि हम लोग इसका जुटकर सामना करेंगे। बता दें कि लालू प्रसाद यादव का केंद्र सरकार पर यह हमला उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल के बाद बिहार का घटनाक्रम भी तेजी से बदला है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने बयान दिया है कि जदयू के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं।